हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनु मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला, भाग 3, चतुर्थ पाठ, मातृभक्ति देशभक्तिश्च, यानी कि मदर डिवोशन एंड पेट्रियोटिज्म। माँ के लिए हमारी भक्ति और मातृभक्ति के लिए हमारी भक्ति। इस पाठ में बताया जाएगा बच्चों कि माँ और हमारी जन्मभूमि मातृभूमि दोनों कैसी हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है। ये देखिए, ये हमारे ये सैनिक खड़े हुए हैं और ये भारत का झंडा, जिसे ये झंडे को फहरा रहे हैं, उसके नीचे खड़े हुए हैं। माता मातृभूमिश्च द्वे एवैते सर्वोत्तमे स्तः। माँ और मातृभूमि, ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छी हैं। कौन? माँ और मातृभूमि। माता पुत्रस्य कृते निजं कष्टं नैव चिन्तयति। माँ अपने बच्चे के लिए अपने कष्ट की बिल्कुल भी, अपने दुख की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है। सा सदा तस्य सुख चिंता में एव करोति। वो क्या करती है? हमेशा अपने बच्चे के सुख की, कि उसको किस प्रकार सुख मिल जाए। एक माँ ही ऐसी है बच्चों, जो अपने बच्चों के हर सुख दुख का ध्यान रखती है। और संसार में है रिश्ते और बहुत सारे, लेकिन माँ सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। माँ से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रख पाता है अपने बच्चे का, क्योंकि माँ अपने बच्चों की चिंता के लिए, सुख के लिए हमेशा सोचती रहती है। माता बालकस्य कृते सर्वस्वमपि त्यक्तुं शक्नोति। माँ बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहती है। अतः जनः मातृ पूजा सर्वदा करणीया। इसलिए लोगों को माँ की पूजा हमेशा करनी चाहिए, माँ का सम्मान हमेशा करना चाहिए। अस्माकं जननी यथा आसमान लालयति तथैव इयम अस्माकं जन्मभूमिरपि अस्मान् पालयति। जिस प्रकार माँ हमें पालती है, माँ हमारा ध्यान रखती है, उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि भी हमारी रक्षा करती है। कैसे करती है रक्षा, पता है ना आपको? हमारी जन्मभूमि में, अगर जन्मभूमि पर हमारे इतने सारे सैनिक लगे होते हैं जो हमारी और देशों से हमारी रक्षा करते हैं, कभी भी दुश्मन आक्रमण कर सकता है, उससे हमें कौन बचाता है? हमारी मातृभूमि बचाती है। तो जिस प्रकार माँ हमारी रक्षा करती है, उसी प्रकार मातृभूमि भी हमारी रक्षा करती है। अस्या एव जलेन वायुना मृतिकया च वयम निरंतरम परिपुष्टिम गच्छामे। और इसके ही जल से, वायु से और मिट्टी से हम निरंतर क्या होते हैं, इसके हम क्या करते हैं, हमारा इनसे ही निरंतर पालन पोषण होता रहा। इसकी ही मिट्टी से, इसकी ही वायु से और इसके ही जल से हमारा निरंतर पोषण होता रहता है। अस्याम एव अंके स्व बाल मित्रैः सह स्वच्छंदम क्रीणामहे। और इसकी ही गोद में हम अपने बचपन के मित्रों के साथ आज़ादी से खेलते हैं। अतएव स्वदेशम प्रति अस्माकं हृदये सम्मानः आदरश्च यत्र कुत्रापि गतो मनुष्यः जन्मभूमि सदा स्मरत्येव। इसीलिए अपने देश के प्रति हमारे हृदय में हमेशा सम्मान और आदर की भावना होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी हम जाएं, मनुष्य को हमेशा अपनी जन्मभूमि को हमेशा मनुष्य याद रखता है। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी जाकर हम अपनी जन्मभूमि को, जो हमारी मातृभूमि है, हम उसे हमेशा याद रखते हैं और याद भी रखना चाहिए, है ना। भारतवर्ष अस्माकं जन्मभूमि अस्ति। हमारी जन्मभूमि क्या है? भारतवर्ष। हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। पुरा चक्रवर्ती भरतो नाम राजा आसीत। प्राचीन काल में भरत नाम का राजा था। तेन शासितो देश है भारतवर्ष इत्यभिधानम प्राप्त है। उनके ही शासन करने से इस देश का नाम भारत पड़ा था। अत्र गंगा यमुना नर्मदा कावेरी प्रभृत महानद्यः सन्ति। यहाँ गंगा यमुना कावेरी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। द्राक्षा दाणिम जम्बू आम्रादि प्रचुरई फलई इयम सुफला अस्ति। यहाँ पर द्राक्षा अनार दाणिम, द्राक्षा अंगूर, दाणिम अनार, जम्बूफल, आम बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर फलते हैं, पैदा होते हैं हमारी मातृभूमि पर।
अंगूर, अनार और जामुन और आम जैसे फल यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में फलते हैं। और वयम भारतीय देवेभ्यो अपि श्रेष्ठा, हम भारतीय देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि देवा अपि अस्माकं जन्मभूमौ जन्म ग्रहणाय स्मरयन्ति, क्योंकि देवता भी हमारी जन्मभूमि में जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। देवता भी सोचते हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लें। उक्तम च विष्णु पुराणम, और विष्णु पुराण में कहा भी गया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वो भारत भूमि धन्य है जहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया है। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा पुरस्तात्, यानी कि क्योंकि देवता भी हमारी जन्मभूमि में जन्म लेने के लालायित रहते हैं, देवता स्वर्ग में भी इस बात का गान कर रहे हैं कि भारत भूमि धन्य है, वे पुरुष जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, स्वर्ग की ओर जाने वाले मार्ग यानी कि स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते पुरुष के सामने अतीत में है। इतनी इतनी भारत भूमि की महिमा बताई है कि वो भारत भूमि धन्य है जहाँ पर कि देवताओं ने, जिसकी वे पुरुष जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, देवता भी उसका गान कर रहे हैं। अस्माकं पराधीनतया मुख्य कारणम एकताया अभावास्ति, हम जो पराधीन हुए, हम जो दूसरों के अधीन हो गए यानी कि हम गुलाम हुए, उसका कारण क्या है, हमारी सबकी एकता, यूनिटी हमारे अंदर नहीं थी, हमारे अंदर एकता का अभाव था, इसीलिए हम पराधीन हो गए। अतः अस्माभिः यथाशक्ति कलह परिहर्तव्य, इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, कभी भी झगड़ों से बचना चाहिए, झगड़े नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर झगड़ा करेंगे तो और देश हमारे झगड़ों का फायदा लेगा और फिर हम ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। कितनी दिनों, कितनी सालों की तपस्याओं के बाद कितने महापुरुषों ने अपना त्याग किया, जीवन का त्याग किया, बलिदान दे दिया इस भारत भूमि के लिए, तब जाकर हमें आज़ादी मिली, आज जो हम स्वतंत्र कहलाते हैं। लेकिन अगर हम फिर से ऐसा करने लगेंगे तो फिर से हम गुलाम हो जाएंगे, फिर से हम पराधीन हो जाएंगे। जन्मभूमि गौरव वर्धनाय सर्वे चेष्टितव्यम, जन्मभूमि को का गौरव बढ़ाने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। एतादृश देशस्य गौरव वृद्धये प्राणापि परित्याज्य यत, हमें इस देश के गौरव की वृद्धि के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देनी चाहिए। अपने प्राणों का भी अगर हमें त्याग करना पड़े तो अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए उसका भी हमें परित्याग कर देना चाहिए। यतः क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माँ और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, इनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो बच्चों आपको समझ में आया अपनी मातृभूमि के बारे में और माँ के बारे में, माँ और मातृभूमि का हमें हमेशा सम्मान करना है, उनको हमेशा आदर देना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं माँ और जन्मभूमि जो अपने बारे में ना सोचकर हमेशा अपने बच्चों के बारे में, जन्मभूमि भी देशवासियों के लिए बारे में ही सोचते रहते हैं, और ऐसे ही हमारी माँ है जो अपनी हर कष्ट को भूल जाती है और बच्चों के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहती है। तो बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं हम। मातृभूमि यानी कि जन्मभूमि, सर्वोत्तम सबसे उत्तम, बाल मित्रई बाल सखाओं के साथ अपने बचपन के मित्रों के साथ, मृतिकया माने मिट्टी से, शासितों क्या है राज्य करते हुए, प्रचुरई माने परिपूर्ण, परिहर्तव्य छोड़ देनी चाहिए, यथाशक्ति माने अपनी शक्ति के अनुसार, गरीयसी क्या है गौरवपूर्ण है। तो पाठ में आए हुए हमने बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अभी हमारा अभ्यास कार्य है जो हम करते हैं, पहली हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इन प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला प्रश्न है, कह अस्माकं जन्मभूमि अस्ति, हमारी मातृभूमि कौन है, भारतवर्ष अस्माकं जन्मभूमि अस्ति, भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। के अपि अस्माकं जन्मभूमिं जन्म गणाय स्मरन्ति, कौन हमारी जन्मभूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, देवा अपि अस्माकं
देवता भी हमारी जन्मभूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। देवा अपि अस्माकम, फिर यहाँ से ये जन्मभूमि जन्म ग्रहणाएँ स्मरयन्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, जननी जन्मभूमिश कस्मात अपि गरेसि, जननी जन्मभूमि किससे बढ़कर है? स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारी माँ और हमारी जन्मभूमि स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बढ़कर है। विष्णु पुराणे किमुक्तम, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? आपने जाना कि विष्णु पुराण में कहा है कि देवता भी कहते हैं कि उस वो भारत भूमि धन्य है जिसमें कि जिन लोगों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। वे धन्य है जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। इसमें आप वो श्लोक भी लिख सकते हो जिसमें श्लोक के बारे में कहा है कि गायन्ति देवा, है ना। अस्माकं पराधीनतया किम कारणम अस्ति, हमारी पराधीनता का क्या कारण है? क्या कारण है? हम अस्माकं पराधीनतया कारण है हमारी एकता का अभाव, जो हमने यूनाइट नहीं हुए एक साथ। एकताया अभाव, एकताया अभाव अस्माकं पराधीनतया कारणम अस्ति। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर के विषय में हमने जाना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थान भरिए। पहला है हमारा माता डैश कृते सरस्वपि त्यक्तुम शक्नोति, माता बालस्य कृते स्व बालस्य कृते सर्वस्वपि त्यक्तुम शक, अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहती है। अस्य एव अंके स्व डैश सह स्वच्छंदम प्रणाम है, इसकी ही गोद में हम स स्व बाल सखा या बाल बाल मित्रय मित्रम सह स्वच्छंदम किणामी, इसकी ही गोद में हम अपने मित्रों के बचपन के मित्रों के साथ खेलते हैं। भारतवर्षे अस्माकं मातृभूमि अस्ति। नेक्स्ट है डैश भरतो नाम राजा पुरा चक्रवर्ती, भरतो नाम राजा आसीत। फिर है डैश गौरव वर्धनाय सर्वे चेष्टितव्यम, भारतस्य गौरव वर्धनाय सर्वे चेष्टितव्यम, हमें अपने भारत के गौरव के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सम्यक उत्तर पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला उत्तर है माता पुत्रस्य कृते निजम नैव चिंतयति हर्षम या कष्टम या दुखम, माँ अपने बच्चे के लिए बिल्कुल क्या नहीं महसूस करती? कष्ट का अनुभव नहीं करती। अस्याम स्व अंके स्व बाल मित्रै सह स्वच्छंदम खादमः शयनम या क्रीड़ामय, इसी के गोद में हम अपने बचपन के मित्रों के साथ क्या करते हैं? क्रीड़ामय खेलते हैं। भारतवर्ष अस्माकम अस्ति क्या है? हमारी क्रीड़ा भूमि है या कि शयन भूमि है या कि जन्म भूमि है? क्या है? हमारी जन्म भूमि है। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर पर सही का निशान लगाया है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, समानार्थक पद लिखो। जो इस शब्द से मिलते हुए समान अर्थ वाले पद हैं वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे माता जननी, सिनोनियम्स जिसे बोलते हैं, पुत्र है सुतः, भूमि धरा, हृदय अंत अंते या मने, जन्मभूमि मातृभूमि, पराधीनता। एक होता है स्वाधीन, एक होता है पराधीन। हम पराधीन हो गए दूसरे के तो हम
गुलामः परतंत्रता। एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों हमारी, हिंदी में हमें अनुवाद करना है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर संस्कृत में जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला क्या है, जनई मात्र पूजा सर्वदा करणीया, लोगों को माँ की हमेशा पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है से भारतवर्ष अस्माकं जन्मभूमि अस्ति, भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है। यत्र कुत्रापि गतो मनुष्य जन्मभूमि सदा स्मृत्येव, मनुष्य जहां भी जाता है जन्मभूमि की हमेशा याद रहती है। मनुष्य जहां भी जाता है जन्मभूमि की हमेशा याद रहती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वाक्य बनाने बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। वाक्य हम मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाए आप चाहें, उसमें ये इस शब्द का प्रयोग जरूर होना चाहिए। जैसे मात्र पूजा, वयम सदैव मात्र पूजा करणीया, करनी चाहिए। स्वदेशम अहम स्वदेशम गच्छामि, बालमित्रै सह क्रीडामि, अहम बालमित्रै सह क्रीडामि। श्रेष्ठा जननी जन्मभूमि सर्व श्रेष्ठा, जननी और जन्मभूमि सबसे सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छी हैं। नेक्स्ट हमारा कार्य है बच्चों रचनात्मक कार्य, एक्टिविटी बेस्ड है। इसको आपको अपनी A4 शीट चाहे, चाहे अपनी कोई अलग से आपने गृह कार्य की कॉपी बना रखी हो, या अपनी उत्तर पुस्तिका में ही ऊपर डालकर होमवर्क के उससे यहाँ पर अपनी मातृभक्ति के विषय में आपको अपनी माँ क्यों अच्छी लगती है, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है, उस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। वाक्य आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वो वाक्य लिखकर आप अपने अध्यापक और अध्यापिका को दिखाइए और उनको बताइए कि हमने कैसे अपनी माँ के विषय में 5 वाक्य लिखे हैं। और बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।